नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है गाइज, ये है आई शेडो पैलेट। एंड इसमें कोई भी नाम मेंशन नहीं है एंड मुझे भी ऐसा कुछ याद नहीं है कि ये किस कंपनी का है। किसी कंपनी का तो जाहिर सी बातें होगा नहीं, लोकल ही होगा। बट इसकी जो पैकेजिंग है गाइज काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। ये कुछ वॉलेट टाइप आपको मिलता है इस तरीके से ओपन करने को, देन ये कुछ इस टाइप का नज़र आता है अंदर से। काफ़ी ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग है इसकी। एंड इसमें आपको साथ में यहाँ पर एक अच्छा खासा मिरर मिल जाता है, दो ब्रशेस मिल जाते हैं, दो कॉम्पैक्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर फोर लिपस्टिक्स मिल जाती है एंड यहाँ पर काफ़ी सारे आपको आई शेडो मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रश भी था जो कि मैं काफ़ी पहले घुमा चुकी हूँ। बट अगर अब हम इसके क्वालिटी वाइज बात करें गाइस, तो इसके जो आई शेडो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पाउडरी फॉर्म में है, शिमर इसमें है, चंकी ग्लिटर्स मिल जाते हैं एंड बिल्कुल भी आपके आईज के ऊपर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करता है। बट इसे मैंने अच्छा खासा यूज़ किया है। अगर सबसे पहले आप इधर इसके लिपस्टिक की तरफ अगर देखें तो मैंने चारों को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, क्योंकि मैं इसे अपने लिप टिंट की तरफ यूज़ करती थी। काफ़ी सही लगता था, मतलब आप लगाते हो इसमें कलर भी आता है ना, लिपस्टिक का लुक देता है ना लिप बाम का ट्रांसपेरेंट लुक देता है, तो इसे मैं लिप टिंट की तरह ही यूज़ करती थी। काफ़ी सही लगता था मुझे। बट जैसे कि मैंने इसकी क्वालिटी की बात कही, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। बट अगर अब हम इसके कॉम्पैक्ट की बात करें गाइस, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट पार्ट ये कॉम्पैक्ट ही है। इसमें दो शेड मिल जाते हैं आपको, एक लाइट शेड मिल जाता है, एक थोड़ा सा डार्क शेड मिल जाता है। तो इसका जो कॉम्पैक्ट है गाइस इतना ज़्यादा क्रीमी है, मेरा मन करता है सिर्फ उसके ऊपर मैं ऐसे हाथ घुमाते रहूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट है ये। एंड अगर इसके ब्रश की भी हम बात करें तो मुझे इसका ब्रश ठीक ठाक सा लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं है। क्योंकि इसे लगाने के लिए 4 से 5 बार आपको इस ब्रश के ऊपर अपना ब्रश को घुमाना पड़ेगा, देन आप उसको अप्लाई करेंगे एंड बार बार आपको ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी गाइस, क्योंकि ये ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। इसलिए मुझे ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट आ जाए और उसे लगा के हम वेस्ट करें या बहुत ज़्यादा अपने फेस पे ब्लश दिखे। एंड यहाँ पर 24 आई शेडोज मिल जाते हैं, तो अगर से आप न्यू है, बिगनर्स है, जैसे आई शेडो आप सीखना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे कलर है सीखने के लिए, तो उस पर्पज़ से ठीक है कि आपको एक ही पैलेट में कॉम्पैक्ट मिल रहा है, आई शेडो मिल रहा है, लिपस्टिक मिल रही है एंड ब्लशेस भी मिल रहे हैं, तो ठीक ठाक सा है। अभी देख सकते हैं इसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, इसको एज अ हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है, इसका ब्लश मैंने यूज़ किया है, इसका कॉम्पैक्ट भी मैंने यूज़ किया है, बाकी आई शेडो के लिए तो मैंने इसे यूज़ किया ही है। तो मे बी ये मुझे 300 अराउंड कुछ पड़ा था, तो उस हिसाब से मैंने इसे अच्छा खासा मतलब फुल पैसा वसूल वाला प्रोडक्ट रहा है ये मेरा। बात करें अगर हम काजल की, तो काजल तो मैं काफ़ी टाइम पहले से यूज़ करते आ रही हूँ गाइस, लेकिन जब मुझे मेकअप के बारे में थोड़ा समझने लगा दैन उसके बाद जब मैंने काजल परचेस किया था, तो ये मेरे पास हिमालय का काजल है, हर्बल वाला। एक्चुअली मुझे अदर कोई काजल सूट नहीं करता है। एक टाइम था जब मुझे काजल लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है मैं कोई भी काजल लगाऊँ मेरे आँखों के अंदर इधर जमा हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से मैंने काजल लगाना छोड़ दिया है। अभी भी आप मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में देखते होंगे तो मैं काजल काफ़ी कम यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। तो ये जो मेरे पास था ये काफ़ी सही था, इसमें से काफ़ी कम ऐसा होता था कि ये मेरे आँखों के अंदर जमा हो जाए, इस वजह से मैं इसे यूज़ करती थी। एंड इसका प्राइस ओनली 45 रुपीज़ था, तो अभी मैंने इस काजल को भी यूज़ करना छोड़ दिया है गाइस। बात करें अगर हम अपने फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट की गाइस, तो हम लिपस्टिक को कैसे भूल सकते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट लिपस्टिक था गाइस, ये एलेटिन का कलर पॉप मैट लिपस्टिक था एंड मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया है, काफ़ी टाइम तक के मैंने इसे यूज़ किया है, और वो मुझे ओनली 100 रुपीज़ में पड़ा था, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि अभी भी इसका प्राइस कुछ ऐसा ही है, 75 या 100 रुपीज़ का ही है। एंड इसमें मेरा जो शेड है ये है फेयर पिंक। जब हम लिपस्टिक की बात ही कर रहे गाइस, तो हम लोग लिक्विड लिपस्टिक को कैसे भूल सकते हैं, तो हुडा ब्यूटी का ये मेरे पास है लिक्विड लिपस्टिक, जो कि मैंने अपने फर्स्ट टाइम परचेस किया था। एंड इसका शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझ पर लाइट शेड से ज़्यादा और न्यूड शेड से ज़्यादा डार्क शेड मुझ पर ज़्यादा सही लगते हैं। एंड अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा
ड्राई आउट कर देते हैं, तो मुझे बस इसकी ये चीज़ पसंद नहीं है। एंड लास्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास है गाइस, वो है मेकअप फिक्सर। एंड इसे भी आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में यूज़ करते हुए देखा होगा। ये है ADS का मेकअप फिक्सर एंड ऑलमोस्ट ये इतना फिनिश हो चुका है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा मेकअप फिक्सर यूज़ करती नहीं हूँ इसलिए अभी तक इतना अभी भी स्टिल बाकी है, तो मैं इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती हूँ। अब मे भी कुछ नया हम ट्राई करेंगे मेकअप फिक्सर में भी। एंड ठीक ठाक सा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी क्वालिटी ओके है। 3 to 4 hours तक की इजीली आपका मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रख। दैट फॉर ऑल गाइस, यही था मेरा ऑल मेकअप प्रोडक्ट जो कि मैंने फर्स्ट टाइम परचेस किया था। ऐसा सभी के साथ होता है, इन सभी के साथ में कुछ ना कुछ यादें जुड़ी भी होती है गाइस। तो यही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड उसके साइड में जो छोटा सा बेल बटन है उसे हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।